ले गमछा गले में डाल, गमछे में, समझ गए, गमछे में। ये जो मेरे पास है सभी के पास है, और ये जो आजकल तो सभी रखते हैं। हाँ, अंगोछा। ले गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल। गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल। ये गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल। देखिए, प्रेम में कुछ भी नहीं दिखता। सर्व सिंगर थोड़ा मॉनिटर को बुला, बोले अब तुलसी जी ससुराल पहुंचे। रात के बज गए 2:30 और सारे दरवाजे बंद, बरसात हो रही, बिजलियां चमक रही, और बाहर जाकर हंकारे, बाहर जाकर हंकारे, वहां कौन सुने, बंद हो रहे टब किवाड़े। वो वहां कौन सुने, बंद हो रहे सभी किवाड़े। अब देखिएगा, अरे समझ रास लियो पकड़ साफ, समझ रास लियो पकड़ सांप, चट गए अटारी रे। ओ समझ रास लियो पकड़ सांप, चट गए अटारी रे। अरे प्यारे लगे ना प्राण, प्राण से प्यारी नारी रे। ले गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल। ले गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल। अपनी धर्म पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। पत्नी ने देखा, हे पतिदेव, बेटा एक 2 मिनट की बात, बात मत करना, बिल्कुल थोड़ा मुझे ध्यान चाहिए कि इस अंधेरी रात में तुम कहां से आए। तो तुलसी जी बोले कि हे प्रिय, हे प्रियतमा, तुमने रस्सी टांग रखी थी, रस्सी लटका रखी थी, वो पकड़ के आया। जैसे बिजली चमकी तो देखा कि वो रस्सी नहीं थी, वो कालंदार क्या था, सांप। सांप, सांप को पकड़ के चढ़ गए। इश्क में कुछ भी नजर नहीं आता। तो अब धर्मपत्नी बोली, अरे तुम कैसे आए स्वामी, तुम कैसे आए स्वामी, तुम इतने क्यों बन गए चाम के कामी। वो तुम इतने क्यों बन गए चाम के कामी। अरे करो प्रभु से प्रीत वही सच्चा मीत, करो प्रभु से प्रीत वही सच्चा मीत, पर अचरज भारी है। करो प्रभु से प्रीत वही सच्चा मीत, पर अचरज भारी है। प्यारे लगे ना प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल। मार साहब,
कहा कि करो प्रभु से प्रीत, वही सच्चा गुरु। हे पतिदेव, जितना प्रेम तुमने मुझसे किया उतना अगर भगवान से कर लेते तो भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाता। राजेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा मैं कि इस हेतु आपकी भी, आपसे भी अपेक्षा है मेरी। धन्यवाद। अब तुलसी जी को चेता हुआ और जीवन में यूटर्न आया, जीवन में बिल्कुल। श्रीमान पन्नालाल जी, इंडिया न्यूज की तरफ से 2100 रुपए की राशि यहाँ पर प्राप्त हुई है आपकी नेक्स्ट गाड़ी के लिए। क्या बात है, क्या बात। राजेंद्र जी वैसा भी थोड़ा मंथन कर रहे हैं, तो जब ये चरण जब सुनेंगे तो उसके बाद में पूरा मंथन हो जाएगा। ये तीसरा चरण, अब सुनना बड़े ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। समझ में आ रहा है? जिनके समझ में नहीं आ रहा है वे हाथ ऊपर करें, जिनके समझ में आ रहा है वे हाथ ऊपर करें। धन्यवाद। तो अब तुलसी जी बोले, अरे सोते से मुझे जगाया, सोते से मुझे जगाया, तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सिखाया। वो तुम गुरु मेरी तुमने ही ज्ञान सुनाया। तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महतारी है। क्या है, क्या है? महतारी। महतारी किसे कहते हैं? माँ को। माँ को। तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महतारी है। प्यारे लगे ना प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। हम छगले मेदार तुलसी जी चले ससुराल, हम छगले मेदार तुलसी जी चले ससुराल। तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महतारी है, अब तू मेरी, अब मेरी माँ है। तो आप लोगों को पता नहीं होगा, ये जितने भी कलाकार गाते हैं, ये मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, और 500 पेज की किताब पढ़ करके उसका सारांश एक लाइन में निकाल करके आपके सामने ला करके रखते हैं। उसके लिए ये सभी लोग मेहनत करते हैं, आपको ना करना पड़े इसलिए। अब अपने ससुराल से तुलसी जी सबसे पहले कहां गए? निकले, जीवन में वैराग्य हो गया। और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे, तिलक करे, तिलक करे रघुवीर, रघुवीर। और उसके बाद में, वहां से आने के बाद में फिर ये लिखा, हो ए बेटा चौकड़ी बुसेट, चौकड़ी बुसेट नीचे बैठ जा बिल्कुल। पाकिस्तान से आया क्या? वहां से आने के बाद लिखा, मंगल भवानी अमंगल हारी, रवहुस दशीरथी अजर बिहारी। हेलो हेलो, देखिए सीरती अजरी बिहारी। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जे जे राम। एक बात कहता हूं मित्रों, मैं तो ये कहता हूं कि जो राम का नहीं, जो राम का नहीं
वो किसी। तो आप सब लोग काम के हो, ईमानदारी से तुमको सबको भगवान श्री राम की सौगंध है। सभी लोग मिलकर के बोलना, राम सिया राम जय जय राम। और दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ मिड़ी मिड़ी ताली बजाते हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देखता रहे मेरे को, नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर आ जाऊं। हीरा भाई स्वागत है आपका, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, जय हो राम सिया राम। सभी के दोनों हाथ ऊपर और एक साथ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जी जी राम। तो मैं ये कहूं कि आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, कल्प सिंह जी विशेष रूप से सुने। मैंने कहा कि याकूब जैसे कर्म करोगे तो फांसी पे चढ़ाए जाओगे, याकूब जैसे कर्म करोगे तो फांसी पे चढ़ाए जाओगे, और कलाम जैसे कर्म करोगे तो घर घर पूजे जाओगे। अब आप बताओ आप उस समय जा रहे थे, इससे वंचित रहते कि नहीं रहते, रहते। धन्यवाद। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सभी के दोनों सिया।